जिम्पल हाई स्कूल के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर एक स्वच्छता अभियान के तहत विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं एवं समस्त शिक्षकेतर कर्मियों ने स्वेच्छा से श्रमदान कर कलेक्ट्रेट घाट की सफाई की। इस अवसर पर स्वच्छता अभियान के विशिष्ट अतिथि शहर के जाने माने डॉक्टर कुमार जितेंद्र ने अपनी सहभागिता निभाते हुए इस अभियान का उद्घाटन किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि स्वच्छता दिवत्व के निकट है एवं व्यक्तित्व की पहचान है। यह आज का स्वच्छता अभियान निश्चित रूप से समाज के लिए विभिन्न लोगों का प्रेरणा प्रदान करेगा। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशिका सह प्रदेश मंत्री महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर मधु सिन्हा ने कहा कि राष्ट्रपिता बापू के स्वच्छ भारत के सपनों को साकार करने के लिए इस तरह के स्वच्छता अभियान की सख्त आवश्यकता है। आगे उन्होंने कहा कि स्वच्छता सुंदरता का प्रतीक है। कलेक्ट्रिएट घाट की सफाई पूरे एक वर्ष तक करने का आज उन्होंने संकल्प लिया है। इस स्वच्छता अभियान के संयोजक विद्यालय के प्राचार्य शंभुनाथ मिश्रा ने बताया कि आज गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता अभियान स्कूल के द्वारा चलाया गया, जिसमें स्कूल के सभी कर्मचारी गण मौजूद हैं। बताया गया देखिए सर, तो हम लाल बहादुर शास्त्री जी को और गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए याद कर रहे हैं और उनकी जो मकसद है उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इस 150वीं जयंती के अवसर पर हम ये कटिबद्ध हो रहे हैं, ये प्रण ले रहे हैं कि इस परिसर को यानी कलेक्ट्रेट जो है इसको हम स्वच्छ रखेंगे और हमारे कर्मचारी इसमें हमारे सारे सहयोगी लोग जुड़े रहेंगे। और स्वच्छता बड़ी जरूरी है, इससे मैसेज जाएगा लोगों को कि मुझे यहाँ गंदा नहीं करना है। और वाकई लोगों में ये जब डेवलपमेंट हो जाता है कि मुझे स्वच्छ रखना है, रहना है, तो इसका असर हमारे स्वास्थ्य और आने तक अगल बगल जो भी रहते हैं वो कुछ तो सीखते भी हैं और रखने की कोशिश भी करेंगे। धन्यवाद। जयंतु लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर जिम्पल स्कूल के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। आरा का जो ये छठ का एक पोखर है, बताया जैसे ये बहुत ही अच्छी पहल है। और आज सुबह सुबह जैसे ही हमें ये पता चला डॉक्टर मधु सिन्हा के द्वारा कि स्वच्छता के लिए आपको यहाँ पे आना है, तो हमको बहुत अच्छा लगा और हम सारे काम काज छोड़ करके इसमें पूरे मन से और तन से यहाँ आ चुके हैं। और ये जो पहल शुरू किया है इन्होंने, ये बाकी समाज के और लोगों को और स्कूल के लोगों को या हर समाज के वर्ग के लोगों के लिए एक अच्छा मैसेज जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए, स्वच्छ भारत तभी स्वस्थ भारत, अगर स्वच्छता नहीं रहेगी तो आप स्वस्थ कभी नहीं रह पाएंगे। और अगर इसी तरह से हर यहाँ के भारतवासी अगर ये प्रण ले ले कि हमको किसी खास जगह पे और हर चीज़ को साफ रखना है, तो पूरा देश एकदम क्लीन रहेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा, रोग वगैरह कम होगा। और इन्होंने जो ये कार्य किया है ये बहुत ही अच्छा कार्य किया है। और जैसा कि इन्होंने भी बताया कि इसको पूरे साल हम लोग करेंगे मेंटेन, तो ये बहुत हिम्मत की बात है। इस चीज़ के लिए मैं इन्हें तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस तरह के कार्य में जब भी मेरी किसी भी तरह की पड़ेगी आवश्यकता तो हम इनके साथ हमेशा खड़े मिलेंगे। इनके तहत यहाँ पर कलेक्ट्रेट पोखर को सफाई अभियान का एक मुहिम चलाया जा रहा है, बताया जाए सर इसके बारे में। गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पटना सहोदया कॉम्प्लेक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, CBSE स्कूल, उसमें लगभग 150 स्कूलों का वो ग्रुप है। और उस ग्रुप में आरा के भी 2-3 स्कूल, जिन पॉल संभावना स्कूल, STSB स्कूल, ये भी उस ग्रुप के मेंबर हैं। तो वहाँ पर एक कार्यक्रम हम लोगों ने बनाया है कि 150 स्कूलों में एक साथ 2 अक्टूबर 2018 से लेके 2 अक्टूबर 2019 तक सालों भर वर्ष भर कार्यक्रम चलेगा। इसमें 150 स्कूलों में 150 प्रतियोगिताएं होंगी और ये विभिन्न स्कूलों को इसका नोडल सेंटर बनाया जाएगा और सालों भर ये कार्यक्रम चलेगा, जिससे बच्चों में ये गांधी जी की जो फीलिंग है, सत्य, अहिंसा,
के बल पर कोई भी कार्य हम संपादित करेंगे, अहिंसा परमो धर्म का के नारे को बुलंद करेंगे। गांधी जी के विचार आज भी प्रासंगिक है। एक भी छात्र यदि दो में से गांधी के विचारों को अपनाता है तो यह भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। गांधी के सिद्धांतों को लेकर ही चलने में हमारा भारत आगे बढ़ेगा। और उनका सबसे बड़ा एक कार्यक्रम था कि भारत स्वच्छ रहेगा तभी विकसित होगा। पर्चा बता दीजिए सर। मैं शंभुनाथ मिश्र, प्राचार्य जीन पॉल हाई स्कूल।